Welcome dear students to your class. So we already have discussed exercise 5.3 till question number 14 in our last videos, and link of those videos I will give you in description box. वो हमने already किया है. Exercise 5.3 को हमने कहाँ तक किया हुआ है? Already question number 14 तक किया हुआ है. आज की इस video में we will discuss all word problems. हम word problems करेंगे question number 15 to 20, and these are very important word problems. तो हमें अब वही समझना है. सो लेट्स रीड वर्ड प्रॉब्लम वन बाय वन एंड लेट्स सॉल्व देम. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं. इट इज़ गिवन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंस्ट्रक्शन जॉब पर, हम इसे दे रहे हैं. उन्होंने एक अपना एक कॉन्ट्रैक्ट तय किया है कि अगर आप, हम जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिन लोगों को भी दे रहे हैं, तो उनसे ये बात तय कर रहे हैं अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा भी लेट किया. एक सर्टेन उन्होंने डेट दे दी कि 15 फॉर एग्जांपल 15 डेट तक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देना है. लेकिन अगर आपने 15 डेट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कम्प्लीट किया, आपने एक दिन डिले कर दिया, तो आपको पैसा पेनल्टी का 200 देना पड़ेगा. ठीक है. और अगर आपने सेकेंड डे भी उसे डिले कर दिया तो 250 हो जाएगा. थर्ड डे के लिए आपको देना पड़ेगा 300. इसी तरह आपको हर बार कितनी पेनल्टी बढ़ रही है? 50 रुपये हर दिन बढ़ रहा है. ठीक है. हर एक दिन पेनल्टी बढ़कर 50 रुपये एक्स्ट्रा और हो रही है. अब आपको ये बताना है कि कितनी मनी कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी. अगर उसने इतना वर्क कितने दिन के लिए डीले किया? 30 डेज के लिए डीले किया. यानी इस बार उसे टोटल 30 डेज की पेनल्टी निकाल के बतानी है आपको कि कितनी है. तो आप जानते हैं टोटल पेनल्टी के लिए आप सम निकालेंगे. एस 30 आप निकालेंगे तो पहले ए पी है, ये देखिए आप, ये एपी है. 200 पहली टर्म है, फिर 250, फिर 300. हर बार एक ही गैप बढ़ रहा है ना 50-50 का. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हेयर वी हैव, हेयर वी हैव, व्हाट इज द ए पी हेयर? सबसे पहली टर्म हमारी 200 है, कॉमा 250, 300 एंड सो ऑन. ठीक है. D इज इक्वल टू हाउ मच? 50. डिफरेंस हम माइनस करके भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. वी हैव, वी नीड, हमें क्या चाहिए? देखो, हमें चाहिए सम. चाहिए सम कितने डेज का चाहिए? 30 डेज का. यानी 30 डेज में कितनी पेनल्टी टोटल हो जाएगी? सो फॉर्मूला क्या होता है सन का? वी नीड एस 30. हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आगे. वी नो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो एस 30 इज इक्वल टू 30/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस एन इज 30 माइनस वन इंटू डिफरेंस 50. सो इट विल बी 15 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 50, इट विल बी 1450. सो 15 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, सो आई विल गेट 1850 एंड इट विल बी 27750. सो दिस इज़ द सम. यानी हमें 30 डेज के बाद, अगर हम अपना वर्क 30 डेज के लिए डिले करते हैं, तो हमें इतने सारे पैसे 27750 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमने वर्क को बहुत लेट किया है, तो पेनल्टी के तौर पे इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप समझ गए कि हमने सम क्यों किया, क्योंकि हमसे वो टोटल पेनल्टी पूछ रहा है. और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि 30th डे पे कितनी पेनल्टी बनती है, 30th डे पर, तो A30 आपको निकालना होता. लेकिन यहाँ टोटल पेनल्टी पूछ रहा है, 30 डेज तक के लिए आपको कितनी देनी है, तो ये आपका सम आ गया है. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 16. वी आर डूइंग हेयर क्वेश्चन नंबर 16. अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. यानी आपके पास 700 रुपीज़ हैं, आपको इन्हीं 700 अमाउंट को यूज़ करते हुए आपको प्राइज़ देने हैं. कितने बच्चों को प्राइज़ देने हैं? 7 स्टूडेंट्स को. ये अकेडमिक परफॉर्मेंस में, यानी जब हमारा टैलेंट डे होता है, लास्ट सेशन कम्प्लीट होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब प्राइज़ मिलते हैं. तब आपको 700 रुपीज़ से 7 प्राइज़ देने हैं. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. ये आपको बता दिया गया है कि हर प्राइस दूसरे से कितने का डिफरेंस के साथ है. 20 रुपये का फ़र्क है, 20 रुपीज़ का फ़र्क है. यानी आप कह सकते हैं जो सबसे पहला फर्स्ट विनर को दिया जाएगा प्राइज़,
जैसे हमारा कोई फर्स्ट विनर होता है उसका प्राइस ज़्यादा अमाउंट का आता है, फिर उससे सेकंड पोजीशन वाले को कम वैल्यू का दिया जाता है, फिर थर्ड को, देन फोर्थ, यानी हर बार 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, दैट मीन्स डिफरेंस इज 20। सो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो पहले एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, सम 700 दिया हुआ, यानी जो सात के सात प्राइजेज है ना, अगर उन सबकी कॉस्ट को प्लस किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 700। क्या हम कह सकते हैं ये सम ऑफ सेवन प्राइजेज है? येस, इट इज़ सम ऑफ सेवन प्राइजेस। तो हम इसे अपनी नोट कैसे करेंगे, दिस क्वेश्चन हेयर, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज ए वन, फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट होगी वो, हमने उसे ए ही मान लिया है क्योंकि हमें नहीं मालूम है उसकी वैल्यू कितनी है। ए टू इज इक्वल टू सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा, आप जानते हैं सेकेंड प्राइस की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ कम है पहले से, सो ए माइनस 20। डी इज इक्वल टू डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है ना, सो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ए माइनस 20 माइनस ए, सो माइनस 20। फ़र्क कितने का आ रहा है बेटे, माइनस 20 का आ रहा है। कभी आप डिफरेंस डायरेक्ट प्लस 20 लिख लें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर, फ़र्क वो 20 रुपीज़ वो ऐसे कह रहे हैं कि पहले वाला ज़्यादा है, 20 रुपीज़ ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 20 आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको दे रखा है कि सेवन प्राइजेस का सम 700 रुपीज़ है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी हिसाब से हमने लिखा एन अपॉन टू ब्रैकेट टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एन माइनस वन इंटू डिफरेंस यानी माइनस 20। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया है इसे, सो आई एम जस्ट कैंसलिंग इट, 2a-6 120 200। ए इज इक्वल्स टू 160 रुपीज़, यानी पहला प्राइस हमारा 160 रुपीज़ का आएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेवन प्राइजेस आर, अब सेवन के सेवन प्राइजेस की कॉस्ट कितनी होगी, आप जानते हैं सबसे पहला प्राइस सबसे ज़्यादा कॉस्ट का है, फिर उससे 20 कम दूसरा है, फिर देन 20 कम है, तो आप खुद से लिख सकते हैं, पहला तो 160, उससे 20 कम, देखो ए माइनस 20 था, सो 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्राइजेस इन दिस केस। सो कहाँ तक हमें पहुँचना है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट प्राइस विल बी 40, और यहाँ आप रुपीज़ लगा दीजिएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। आंसर, दिस इज अवर आंसर, ओके। सो नाउ लेट्स रीड 17th क्वेश्चन। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। नॉर्मली जैसे स्कूल में प्लांटिंग होती है ट्रीज़ की, तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक स्कूल ने प्लान किया है कि वो भी ट्रीज़ को प्लांट करेगा, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है प्लांटिंग के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यानी जो ट्रीज आप प्लांट करेंगे आप उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड है। जैसे कि अगर आप क्लास वन के स्टूडेंट हैं, जो एक सेक्शन की बात हो रही है, यानी पूरा एक सेक्शन जो करेगा, यानी क्लास वन का अगर आप एक सेक्शन हैं क्लास वन का, जैसे क्लास वन में 3 सेक्शंस हैं, तो वो 3 सेक्शन क्या करेंगे, वो एक एक ट्री ही प्लांट करेंगे, क्योंकि वो किस क्लास के सेक्शन है, वो फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्लास टू है, क्लास टू के 3 सेक्शन बना रखे हैं, तो तीनों टू टू प्लांट करेंगे क्योंकि वो क्लास टू से बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास 12 तक ये आपको फॉलो करना है। ये बताया गया है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप एपी बनाइए। क्वेश्चन नंबर इट इज 17। देखो सबसे पहले ये देखो बेटा, इट इज क्वेश्चन नंबर 17। हेयर वी हैव, ए पी बताओ इसमें कैसी बनेगी। अब एक काम करते हैं, हमारे पास कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस है ना। अगर मैं एक सेक्शन का डाटा निकाल दूं, यानी पूरी 12th स्टैंडर्ड तक एक ही सेक्शन का डाटा निकाल दूं कि एक सेक्शन अगर है तो कितने ट्री प्लांट होंगे,
तो फिर अगर हमें तीन सेक्शन का डाटा निकालना होगा तो सिंपली आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर चार सेक्शन होते तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले एक सेक्शन मानकर सारे ट्रीज की वैल्यू निकाल दीजिए क्वांटिटी, फिर उसे 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेना। हेयर वी हैव ए पी, बताइए कैसी बनेगी। अगर क्लास फर्स्ट की बात हो रही है तो एक ट्री प्लांट होगा क्लास फर्स्ट से, सेकेंड क्लास से 2 ट्रीज होंगे, थर्ड क्लास से 3 होंगे, इसी तरह 12th क्लास से 12 प्लांट्स होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बस एक ही सेक्शन माइंड में रख के चल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का एक ही सेक्शन है तो एक ही ट्री मिला, सेकेंड क्लास का एक ही सेक्शन है तो 2 ट्रीज ही मिलेंगे। सिमिलरली हमने एक क्लास के रेस्पेक्ट में यानी एक सेक्शन के रेस्पेक्ट में एपी तैयार कर ली है। सो क्या निकालना है हमें? हमें सम निकालना है ना, सम ऑफ ऑल ट्रीज SN इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला वी ऑल नो। अब ये देखिए आप लोग कि इसमें n कितना रखना है। अब ये देखो SN नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स हैं? 12 तक हैं। सो एस 12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन टू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 1, 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 1। सो लेट्स सॉल्व इट। इट इज 78। यानी अगर सभी क्लासेस के एक ही सेक्शन माना जाए कि सभी में सिंगल सिंगल सेक्शन है तो ट्रीज प्लांट होंगे 78। अब हमें निकालने हैं थ्री सेक्शंस के हिसाब से। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थ्री सेक्शंस टिल 12th इज इक्वल टू, यानी तीनों सेक्शंस से 12th क्लास तक जो भी टोटल ट्रीज प्लांट होंगे वो कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई 78 एंड इट विल बी 234 आंसर। सो दैट मीन्स पूरा स्कूल मिलकर 234 ट्रीज प्लांट कर देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो बिफोर दैट वी हैव टू रीड क्वेश्चन ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पायरल। स्पायरल ऐसा होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ऐसे बनता है। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, उसे सेमी सर्कल्स से बनाया गया है जिसके सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए और बी हैं, विद सेंटर ए स्टार्टिंग विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडाई 0.51 1.52 सेंटीमीटर एज शोन। वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब पहले आप इधर आइए, हेयर पाई इज 22/7। हम पहले सेमी इसकी फिगर देख लेते हैं, ये जो बन रहे हैं यहाँ पर देखो बेटा, ये ए सेंटर लेना है हमें, सेंटर ए को लेकर एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, और ये फिर बी सेंटर लिया जा रहा है, इससे नीचे वाला सेमी सर्कल बन रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी एक कंसिडर कर लीजिए, आप ए वाला कंसिडर कर लीजिए ऊपर वाला, क्योंकि ए की सेंटर लेकर भी तो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ऐसे कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनते जाएंगे। तो आपको उन टोटल लेंथ निकालनी है, यानी सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है। तो ये आप जानते हैं पहले सेमी सर्कल की लेंथ सर्कमफेरेंस हाफ यानी सर्कमफेरेंस के बराबर है सेमी सर्कल के, प्लस सेकंड सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस प्लस थर्ड सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस, इसी तरह 13th तक आपको सारी सर्कमफेरेंस निकालनी है सेमी सर्कल की, फिर सबको ऐड कर देना है। बात समझ रहे हैं आप? तो यानी कंसेक्यूटिव क्यों कहा गया था उन्होंने? उन्होंने कहा था अल्टरनेट ए और बी सेंटर्स हैं, तो पहला ए सेंटर लोगे तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, बी सेंटर लोगे तो नीचे वाला सेमी सर्कल बन रहा है। तो आपको डाटा एट अ टाइम एक ही लेना है, चाहे आप ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें, हम ऊपर वाला ले रहे हैं ए लेकर। सो हम लोग लिखेंगे टेकिंग सेंटर एज ए रेडाई आर। पहले हम नोट कर लेते हैं कि रेडियस कौन कौन सी है। हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है रेडियस आपको लेनी है 0.5 सेंटीमीटर, 1, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर एज सोन। हमें रेडियस को डायरेक्टली एपी में यूज़ नहीं करना है। हमें क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि उन्होंने कहा है हमें अगर ए आप ले रहे हैं
तो ये जो सेमी सर्कल्स बन रहा है ना, इनकी सरकमफेरेंस आपको बतानी है, इनकी सरकमफेरेंस का सम बताना है। यानी आप जानते हैं पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr होती है, एंड सेमी सर्कल की हो जाएगी πr। तो यानी आपको πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 सिमिलरली πr13 तक आपको वैल्यू निकालनी है और उनको ऐड करना है। AP बनेगी आपकी सरकमफेरेंस की। सो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग सेंटर रेड आई आर, सो सरकमफेरेंसेस आर गिवन बाई, देखो बेटे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई आर होता है ना, तो पाई को भी पाई की फॉर्म में ही छोड़ दो, बाद में वैल्यू रख लेंगे फाइनल में। A1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी पाई R1 एंड रेडियस 1 इज 0.5, सो ये हो जाएगा 0.5 पाई। A2 इज पाई R2, सो पाई रेडियस इज 1, सो पाई आंसर। A3 पाई R3, सो आई विल गेट 1.5 पाई, एंड सो ऑन। ऐसे आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 टर्म्स लिखिए बाकी सो ऑन कर दीजिए। डिफरेंस कितना बैठ रहा है आप डिफरेंस देखिए, पाई माइनस 0.5 पाई, 1 में से आधा जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, हाफ ही बचेगा, तो 0.5 पाई इज़ द डिफरेंस। क्या निकालना है आपको, सरकमफेरेंस का सम निकालना है ना सारी, और कितनी है 13 है, इसमें लिखा हुआ है 13 सरकम सेमी सर्कल्स की सरकमफेरेंस। सो SN इज इक्वल्स टू, वी नो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, दिस इम्प्लाइज एस 13 हमें चाहिए, 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए 0.5 पाई प्लस एन 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो आंसर इज 13 अपॉन 2 ब्रैकेट, सो ये हो जाएगा हमारा 1 पाई। सो आई शुड राइट हेयर 2 5s are 10, ये हो जाएगा 1.0, जिसे आप खाली 1 पाई यानी पाई भी लिख सकते हैं, प्लस इट विल गिव यू हाउ मच, ये देखो बेटे 5 2s are 10, 6 पाई, ये आपका हो जाएगा 6 पाई। सो आंसर इज 7 पाई मल्टीप्लाई 13/2, सो पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7 लास्ट में रख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 13/2, सो 7 से 7 कट, 2 11s are 22, सो आंसर इज ऑन मल्टीप्लीकेशन 143, यानी 143 सेंटीमीटर। क्या है हमारा 143 सेंटीमीटर लेंथ है टोटल स्पाइरल्स की, जो सेमी सर्कल की शेप में है, और वो कितना है, वो 13 है। सो आई होप आप ये समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी। अब आइए 19 पर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन, एंड 20 ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, आपके पास ये वुडन लॉग्स हैं, कितने हैं टोटल, 200 हैं, यानी सम दे रखा है सारे लॉग्स का 200, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता वो कितनी रोज के हिसाब से 200 बैठ रहे हैं, लेकिन टोटल 200 है। ये बता रखा है कि 20 लॉग सबसे बॉटम वाली रो में, यानी सबसे नीचे वाली पहली रो में 20 है, फिर उससे एक कम 19 ऊपर है, फिर 18 है, फिर 17 होगा, 16 होगा, इसी तरह वो खोते जा रहे हैं टॉप तक, ठीक है। अब आपको ये बताना है, सिर्फ दो चीज़ें आपको बतानी है कि कितनी रोज बनी हुई हैं, जैसे ये पहली रो है, दूसरी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें नहीं पता रोज़ कहाँ तक जा रही हैं, लेकिन वहाँ तक रुक रही हैं जहाँ पर 200 पूरे हो जाएंगे। तो आपको सम पता है सारे लॉग्स का 200, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं मालूम है। पहली चीज़ आपको निकालनी है नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली जो टॉप में रो आके रुकेगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, आपको दो चीज़ें बतानी है। तो देखो, क्या ये लॉग्स ए पी फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन। सो देखो, टॉप रो का मतलब क्या है, हमने नीचे वाली रो को फर्स्ट माना है ना, तो टॉप सबसे लास्ट में बैठेगी, बात समझ रहे हैं आप मेरी। देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, देखो लॉग्स ऐसे हैं, सबसे नीचे वाली रो में 20 हैं, देन वी हैव 19, देन 18, फिर ऐसे जाते जाते हमें नहीं मालूम यहाँ टॉप रो पे कितने हैं, कितने लॉग्स हैं, ठीक है। अब ये देखो बेटे कि ये AP फॉलो कर रहे हैं, सो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिख देख लीजिए कि हम लिख के आ रहे हैं, नंबर ऑफ लॉग्स
इन रोज, जो रोज में लगे हुए हैं, आर इन एपी, और वो कौन सी एपी है, वो है सबसे पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन, इसी तरह लास्ट तक रुक रहे हैं जाकर। तो ये जो ऊपर वाला लास्ट बैठ रहा है ना, ये पहला, ये सेकंड, थर्ड, ऊपर वाला लास्ट है, तो टॉप लास्ट वाला बैठ रहा है। यानी अगर आपको टॉप रो में बताना है ना कितने लॉग्स हैं टॉप रो के अंदर, तो यानी आपको लास्ट वाली वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो यानी टॉप का मतलब यहाँ लास्ट टर्म से है। तो चलिए पहले नंबर ऑफ लॉग्स निकालने हैं, यानी आपको नंबर ऑफ लॉग्स बताना है। एस एन कितना दे रखा है यहाँ, सारी टोटल लॉग्स का सम कितना है 200। सो फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एस एन इज इक्वल्स टू डिफरेंसेस, डिफरेंस देख लो बेटे, 19 माइनस 20, सो माइनस वन, ये ध्यान से लिखना आप। एस एन की वैल्यू 200 है, 40 प्लस माइनस माइनस 19, सो वी हैव हियर 21। अब हमने देखो ये गड़बड़ एक हो गई है, यहाँ हमने इनको 20 डाल दिया है बाई मिस्टेक, जबकि वो हमारी फर्स्ट टर्म थी। तो यहाँ बेटे एन को एन ही छोड़ो, ये गड़बड़ हो गई है, एन माइनस वन, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस एन प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस एन। सो दिस वन, ये हमने एन की वैल्यू बाय मिस्टेक यहाँ 20 डाल दी थी, जबकि हमें ए 20 डालना है, एन तो हमें निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है। सो 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस इज 19 माइनस 20, दैट इज माइनस वन। ठीक है, सो ये बाय मिस्टेक हो गया है माइनस एन, और अभी सही है प्लस वन, ये हो गया है हमारा एन अपॉन टू ब्रैकेट 41 माइनस एन। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, सो आई एम गेटिंग 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज, इन सबको इधर ले आइए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, एस 400 वन ज़ा 400, दो नंबर ढूंढने हैं, तो हमने जो नंबर ढूंढे हैं वो 16 एंड 25 ढूंढे हैं। 16 और 25 को जब आप प्लस करेंगे तो 41 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। सो एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 16 प्लस 25 एन प्लस 400 इक्वल्स टू ज़ीरो। एन कॉमन माइनस 25, एन इज इक्वल टू 16, जब आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे, मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया है, चलिए आपको पूरा स्टेप ही दिखा देते हैं। एन माइनस 16 कॉमन, एन माइनस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आंसर आएगा एन की वैल्यू 16 और एन की वैल्यू 25। ठीक है, अभी देखो बेटे दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दोनों दोनों नंबर बन सकते हैं रोज़ के, 16 रोज़ भी हो सकती है, 25 रोज़ भी हो सकती है, लेकिन 200 लॉग्स हैं वो इस तरीके से दोनों नंबर ऑफ रोज़ में अरेंज हो सकते हैं। लेकिन अब हमें एक और चीज़ निकालनी है, यहाँ पर क्या निकालनी है कि सबसे ज़्यादा ऊपर वाली टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो टॉप में क्या आ रहा है, अगर हम एन की वैल्यू 16 माने कि 16 रोज बनी हुई है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, 16 आएगा, तो आपको क्या निकालना है, 16th रो में कितनी लॉग्स है, तो ए 16 निकालना है ना, तो ए प्लस 15 डी होता है, ए इज 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, सो ये हो गया आपका 20 माइनस 15, दैट इज 5। यानी अगर हम 16 रोज़ मान के चल रहे हैं तो ऊपर वाली रो में 5 लॉग्स आएंगे। ओके, तो अगर आपने 16 रोज़ कंसिडर की हैं तो लास्ट टॉप रो में आएंगे इतने लॉग्स, अगर बाय चांस, ये भी तो आंसर पॉसिबल हो सकता है ना 25 रोज़ वाला। सो ए 25 इज इक्वल टू ए प्लस 24 डी, 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई माइनस 1, दैट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 24, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 4। यानी अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि आप 25 रोज़ बनाएंगे लॉग्स की,
तो आपकी जो ऊपर वाली टॉप पे आएंगे ना लॉग्स, वो कितने आएंगे? माइनस फोर आएंगे, जबकि माइनस में तो कैसे आप कोई नंबर रख सकते हैं, लॉग्स कैसे आप, माइनस फोर लॉग्स कितने होंगे? पॉसिबल नहीं है ना, माइनस में कोई क्वांटिटी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 16th रो सबसे सही आंसर है कि उसमें पॉजिटिव नंबर आ रहा है लॉग्स का, दैट इज़ 5 एंड दिस इज़ अवर आंसर। सो आप इस लैंग्वेज को ज़रूर लिखिएगा। सो आप लास्ट में लिखेंगे, सो नंबर ऑफ रोज आर 16, दोनों में से एक ही चूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें पहले तो नहीं मालूम था डिक्लेयर करने से पहले कि ये दोनों पॉसिबल हैं या नहीं, तो हमने जब रख के देखा 16th टर्म निकाली, यानी टॉप की क्वांटिटी निकाली, तो एक की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, एक की नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वाला आंसर गलत है, यानी हमने 25 नहीं लेना है। सो नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो आर कितने हैं? 5 हैं, सबसे ऊपर वाले में 5 आ जाएंगे। सो आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चन को, 19th क्वेश्चन को। अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें बकेट शुरुआत में रखी गई है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो जो पहला पोटैटो रखा हुआ है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी बाकी पोटैटोज 3-3 मीटर की गैप पर रखे हुए हैं, बहुत सारे पोटैटो रखे हुए हैं। अच्छा बता रखा है यहाँ पर 10 पोटैटोज टोटल हैं, तो यानी पहला पोटैटो यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ पोटैटो लास्ट है। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर है जिसने स्टार्ट किया फ्रॉम द बकेट, यानी यहाँ से उसने रनिंग करनी शुरू की, नियरेस्ट पोटैटो पे गया, उठाया, वापस डाला, तो डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया है। कितना ट्रैवल किया है? यहाँ से यहाँ तक 5 गया, फिर वापस 5 डालने में लगा, 10 हो गया पहला डिस्टेंस ट्रैवल, 10 हो गया। इसी तरह उसने सेकंड पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाला भागकर, फिर थर्ड पोटैटो उठाकर डाला, इसी तरह उसने 10 के 10 पोटैटो उस बकेट में डाले हैं। अब ये बताना है आपको टोटल डिस्टेंस कितना उसने रन किया है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हमें एक एपी बनानी है। सो जितना हमारा एक राउंड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, वो हमारा फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट होगा। इसी तरह सेकंड राउंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारा सेकंड टर्म होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, एपी इज गिवन बाय, देखो बेटे फर्स्ट राउंड में क्या बताया था आपको, फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? 5 जाने में और 5 आने में, 8 हो गया है, वो सॉरी 10 हो गया है, सो 10। अब सेकंड राउंड का देखो ज़रा, यहाँ से फिर से स्टार्ट किया भागना उस गर्ल ने, यहाँ से यहाँ तक भागेगी वो 5 और 3, सेकंड पोटैटो उठाने के लिए वो 8 मीटर दौड़ेगी, फिर वापस भाग कर आएगी, तो 16 हो गया है। पहुँच गई थी यहाँ, पोटैटो डाला, फिर तीसरे पोटैटो के लिए वो भागेगी, वो तीसरे पोटैटो के लिए यहाँ तक दौड़ेगी, तो 5 and 3, 8 and 11, तो 11 मीटर भागेगी और 11 मीटर वापस दौड़ने में जाएगी वो लगाने में, ताकि पोटैटो डाला जा सके, सो 11। इसी तरह हमारी ये रेस चल रही है, यानी पहला डिस्टेंस 10 है, फिर 16 है, फिर 11 है और आगे तक जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितने पोटैटोज़ को उठाने में होगा। 10th पोटैटो को उठाने में, यानी सारे पोटैटोज़ को उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो सम निकालना है सारे डिस्टेंसेस का, हम निकालेंगे सम। वी नो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी ये तो पहला डिस्टेंस, पहला पोटैटो का डिस्कशन है, फिर सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस है, थर्ड पोटैटो के लिए, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं आपके पास, तो n की वैल्यू जाएगी 10। 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 16 माइनस 10 बाई मिस्टेक बेटे हमने यहाँ क्या एरर की है, हमने यहाँ 11 डायरेक्ट सिर्फ जाने जाने का डिस्टेंस लिखा है, वापस पोटैटो डालने का नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 22 आएगा, डबल करना है ना, क्योंकि पोटैटो लेके आना फिर वापस डालना, तो डबल डिस्टेंस है, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी। अब डी निकालना है आपको, तो 16 में से 10 जाएंगे 6, 22 में से 16 जाएंगे 6, सो डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस 6 का है।
यानी 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो आई होप आप समझ गए ऐसे कैसे करना है। तो वो बस आप ध्यान रखना कि जो पोटैटो उठाना और वापस डालना, उसे आप पहले एक पूरा राउंड कंसिडर करेंगे और उस पूरे राउंड को आप फर्स्ट टर्म मानेंगे, फिर सेकंड राउंड को आप सेकंड टर्म मानेंगे, थर्ड राउंड को थर्ड टर्म मानेंगे। लाइकवाइज आप SN का फॉर्मूला लगाकर सारे 10 के 10 राउंड्स का, यानी जो 10 आपने कंसिडर किए पोटैटो उठाने का राउंड, तो उसका आप सम निकाल सकते हैं। सो दिस वे हम लोगों ने 1 by 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 20 तक सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं। बाकी जो इस पूरे चैप्टर का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप प्रीवियस सारी एक्सरसाइज समझ पाएँ और 5.3 के भी प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझ पाएँ। अब आपका होमवर्क ये है, यू हैव टू फिनिश कंप्लीट 5.3 एक्सरसाइज एंड यू विल ट्राई 5.4 एडिशनली एट होम, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।